हेलो वेलकम, हम कौन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाए। भारत में ट्रेन और बस में बिना टिकट के सफर करना बहुत ही आम सी बात है। कुछ लोग अक्सर पैसे ना होने की वजह से मजबूरी में बिना टिकट सफर करते हैं, वहीं कुछ लोग इस चीज को अपनी आदत बना चुके हैं और पकड़े जाने पर वो बस कंडक्टर हो या फिर ट्रेन के टीटी जो रिश्वत देकर आराम से निकल जाते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में होने की वजह से टिकट नहीं ले पाते और अक्सर सफर के दौरान मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसे यात्रियों को सफर के दौरान ही चिंता सताती है कि अगर टीटी उन्हें पकड़ ले तो उनसे मोटी जुर्माना वसूला जाएगा। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अगर आपको ऐसी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो भारतीय रेल ने अपने यात्रियों के लिए एक अनोखा नियम जारी किया है जिसके चलते आपको टीटी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्रेन छूट जाने के कारण अगर आप बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए तो अब टीटी को जुर्माना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे के नियम के मुताबिक यात्री अगर बिना टिकट के गाड़ी में बैठ गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप नियम के मुताबिक ट्रेन में बैठकर भी टिकट ले सकते हैं। दरअसल ट्रेन की आरक्षित सीट पर टिकट देने की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत अब आप ट्रेन के अंदर भी टिकट ले सकते हैं। इस सुविधा के बारे में रेलवे का कहना है कि अब बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों को ट्रेन में चढ़ने पर जुर्माना नहीं देना होगा। ये सुविधा रेलवे को और बेहतर बनाने की शुरुआत की लगाई गई है। यात्रियों की परेशानी को समझा जा सके इस सुविधा का फायदा लेने के लिए यात्रियों को एक काम करना होगा कि वो जब भी ट्रेन में चढ़े सबसे पहले खुद टीटी को तलाश करें और इस बात की सूचना उन्हें दे दें कि आपके पास टिकट नहीं है, जिसके साथ ही टीटी आपसे किराए के साथ 10 रुपए अतिरिक्त शुल्क लेकर आपको टिकट मूल्य करा सकते हैं।